Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. Good morning everyone, this is Abhishek. गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं. सर्टिफिकेट के लिए आपको जाना पड़ेगा sketchbookbyabhishek.com. गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं. वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जाना है यूट्यूब टैब में, वहाँ पे मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट्स. और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख लोगे आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एक ही होंगे, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि आपको राइट बटन क्लिक करके आपको आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो डाउनलोडेबल भी हैं. तो यहाँ पे हम लोग अपनी रिव्यू स्टार्ट करते हैं. पूनम जी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो चेरी उन्होंने बनाया जो, उसमें क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि एक शेप जो है, शेप के बारे में बात नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि शेप में करेक्शंस हैं. जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हो तो उसको थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप जो भी आपने बनाया है इसमें, आप जैसे कि हाईलाइट है, हाईलाइट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसको थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे. आपको ब्लेंड करना चाहिए, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं. और दूसरा ये कि जब भी आप कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेरी बना रहे हैं, तो चेरी में एक फॉल ऑफ देना चाहिए. जैसे कि किनारे से आपको डार्क रखना है और जैसे जैसे वो सेंटर में आएगा उसको थोड़ा ब्राइट रखना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको पेंट करके बता रहा हूँ. आपको पहले पेंसिल से जब आप करते हो ना, तो आपको जो पेंसिल है, पेंसिल कलर्स हैं, तो हर एक ग्रेड आता है. जैसे हर एक कलर में बहुत सारे ग्रेड आते हैं. जैसे कि रेड में भी आपको डार्क मरून होता है, मरून के बाद फिर डार्क रेड होता है, डार्क रेड के बाद रेड, रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो. तो ये कुछ जो है, ये कलर्स जो है आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो और उसमें आप उसको डार्कनेस, किनारे से आप डार्कनेस और सेंटर में आप उसको आते आते आपको लाइट कलर्स यूज़ कर सकते हो. तो ये कुछ मैंने एक बेसिक मैंने आपको बताया ऐसे करके कि आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो. तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप एक 3D जो एक, जैसे कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उस पर अगर आप लाइट की इन्फॉर्मेशन डालते हो ना, तो सेंटर में कैसे वो हाईलाइट आता है. तो जैसे आपने हाईलाइट डाला है, आपने जो जो जेल पेन यूज़ किया है उसको आपको थोड़ा ब्लेंड करना पड़ेगा. ये एक ऐसा स्प्रे जैसा लग रहा है, वो वैसा कुछ स्प्रे जैसा नहीं लगना चाहिए. तो और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि जो पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं डार्क, जो आपने ब्लैक यूज़ किया उसको हमें ब्लैक यूज़ नहीं करना है. ब्लैक की जगह हमें यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डार्क मरून है, या फिर आप जो डार्क ब्राउन है जो अभी मैंने कलर पिक किया, वो वैसे कलर्स जो है आप उसको पिक करना है और पिक करके एकदम एजेस में आपको डार्क करना है. तो ये जब आप इफेक्ट दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक जो ऑब्जेक्ट है, अभी क्या है ना कि इसमें एक फील आ रहा है कि वो जहाँ पे डार्क आपने पेंसिल यूज़ किया वहाँ पे कुछ अंदर की तरफ गया और फिर बाहर की तरफ आया, तो एक 3D जो लुक होता है ना, वो लुक थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है यहाँ पे. तो जैसे मैं यहाँ पे अभी कैसे एक डार्क आउटलाइन है, डार्क आउटलाइन को अंदर की तरफ आपको लेके जाना है, कैरी करना है, अचानक से ख़त्म नहीं करना है. तो ये मैंने उसको सॉफ्ट हैंड से किया. तो ये बिल्कुल आपको पेंसिल से भी करना है कि आपको प्रेशर को मेंटेन रखना है. वो जब आप करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक जो एक फील है ना, वो आने लगेगा. और जैसे मैंने आपको बताया ना कि एजेस जो है ना वाइट जेल पेन की आपने किए, उसको थोड़ा ब्लेंड करना चाहिए. ब्लेंड करोगे तभी वो इफेक्ट आएगा, नहीं तो फिर वो एक पैच जो होगा ना, वो पैच की तरह आने लगेगा. तो एक जो इफेक्ट है वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा. या तो आप इरेज कर सकते हो, या फिर आप टिश्यू पेपर से हल्के से आप उसको ब्लेंड कर सकते हो. जब आप ब्लेंड करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको आने लगा. और आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि लाइट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से है. तो उसके अकॉर्डिंग ये उसके अपोजिट साइड में आपको हल्का सा शेडो रखना पड़ेगा. यहाँ पे आपको डार्क ज़्यादा दिख रहा होगा, इतना डार्क नहीं रखना है, क्योंकि ये थोड़ा कंप्यूटर जनरेटेड है. तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ी डार्क दिख रही है, जबकि इतनी नहीं करनी. आप कम से कम 25% ऐसे हैं जो डार्कनेस है वो वहाँ पर आनी चाहिए. तो जब आप ये सब इफेक्ट डालोगे, तब जाके वो जो एक 3D इफेक्ट जो होता है ना आपके, जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में कैसे देखते हैं कि लाइट की इन्फॉर्मेशन जहाँ से आती है उसके अपोजिट साइड में डार्कनेस रहती है. तो वो डार्कनेस जो है ना वो होनी चाहिए. और हल्का सा मैंने यहाँ पे रिम लाइट भी दिया है. रिम लाइट क्या होता है कि जब आप, वो क्या करता है कि वो बैकग्राउंड से सेपरेट करता है ऑब्जेक्ट को. जैसे अगर आप ये आपने बनाया है, तो इसमें आप बैकग्राउंड में कोई भी आप घर का सीन दे सकते हैं, किचन का बना सकते हैं, या फिर आप पेड़ पे लटके हुए जो एक नेचर का जो सीन होता है वो आप दे सकते हैं. तो जब आप दोगे ना, तो वहाँ पे आपको रिम लाइट की ज़रूरत पड़ती है. और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि शेप के बाद
तो यहाँ पे जो शेप है ये शेप कुछ ऐसे होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ही आपने जो बाहर की तरफ निकाले उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन का जो वर्क है उसके साथ साथ जो आपने दिया है तो मैं उसको भी रिव्यू करूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ट्राई आपने बहुत अच्छा किया है, बस यहाँ पे प्रोपोर्शंस जो है ना, प्रोपोर्शंस में देख रहे हो कि ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है निकला हुआ है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर ट्यूटोरियल्स दिए हैं, तो ट्यूटोरियल्स जो आप मैंने दिए हैं मतलब इस क्राई बेबी का भी, तो उसको आपको प्रॉपर वॉच करना है कि कहाँ से मैंने कब निकाला, क्योंकि आप जब एक अच्छा ऑब्जर्वेशन से क्या होता है ना कि आपको एक प्रॉपर आइडिया होता है कि दोनों आई के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, नोज़ का डिस्टेंस कितना होता है। तो ये जब डिस्टेंस के बारे में आपको पता चलता है, जितना आप प्रैक्टिस कर लेते हो देख के, फिर बाद में जब खुद से आप ड्रॉ करने जाते हो ना, तो आपको बेसिक प्रोपोर्शंस के बारे में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, और इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं अभी अनिल, तो यहाँ पे मिस कॉल है, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं अरविंद का, अरविंद आर्टिस्ट, तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, और यहाँ पे उनका वर्क भी देख लेते हैं हम लोग। और जितने लोगों ने अपने अपने वर्क सबमिट किए हैं तो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे आप पढ़ सकते हो कि उन्होंने क्या अपनी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। और जेठालाल का स्केच उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा ट्राई है। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ जो हाईलाइट है करूँगा मैं, जैसे कि हेयर है, हेयर जो है बहुत ज़्यादा ही ब्लैक अब डार्क एक फ्लैट किया है यहाँ पे, तो एक थोड़ा यहाँ पे आपको रियलिज्म में लाने के लिए आपको यहाँ पे हेयर पे कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पिछले कई ट्यूटोरियल्स में आपको बता चुका हूँ कि आपको या तो आप जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मैकेनिकल पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं ना वो बिखरे हुए से, एक नेचुरल लुक लाने के लिए वो आपको डालने पड़ते हैं। जैसे आप कोई एक रियल रेफरेंस भी देखोगे ना, तो उसमें हेयर जो है बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते, जैसे कि ऑयल लगा के सेट किया हुआ, वो यहाँ पे आपको इनसाइड भी देना पड़ेगा और बाहर की तरफ भी आप ऐसे दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक नेचुरल लुक, कहते हैं ना कि एक थोड़ा बिखरा हुआ जो हेयर होता है वो आप दिखाओगे, तो एक नेचुरल लुक जो मैं हमेशा ही कहता हूँ वो आपको एक निकल के आता है। और ये तो हो गई बाहर की बात, अब अंदर में आपको थोड़ा शाइन रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो हेयर है वो थोड़ा शाइनी होता है, जब भी इस पर लाइट की इन्फॉर्मेशन आती है तो वो शाइन करते हैं, तो वो जो शाइन ही है ना वही आपको बताता है कि हेयर का फ्लो कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लो जो है वो फ्लो कुछ हम दे सकते हैं, तो आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, तो वहाँ पे कैसे जो है हेयर जो है यहाँ पे एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि इसका फ्लो कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसा है। तो ये सब जो है हमें देनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हेयर में दिया, तो इसके अलावा आईब्रोज में भी हल्के हल्के आप दे सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा आईलैशेस वगैरह जो है वो आपको देना चाहिए। तो ये कुछ, जैसे कि मैं प्रोपोर्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जो आधी अधूरी चीज़ें हैं ना उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, तो आपकी जो स्केच है वो कंप्लीट अच्छी दिखेगी। जैसे यहाँ पे आपने दिया एक आउटलाइन, ब्लैक आउटलाइन, उसको आपको थोड़ा सा फॉलो अप देना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अरविंद, अरविंद आर्टिस्ट का वर्क जो कि सेम है, और यहाँ पे इन्होंने जो दिया है कॉन्ट्रास्ट लेवल बहुत अच्छा है, स्केच भी बहुत अच्छा किया है। प्रोपोर्शन के बारे में बात करूँगा मैं, कि जैसे कि इनका जो स्ट्रेट फेस है, फ्रंट फेस है, उसको थोड़ा प्रोपोर्शंस का है, और इसके साथ साथ साइज़ का भी मैं थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, जैसे कि किड जो बच्चा है, बच्चे का फेस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता कि फादर के साइज़ से मैच करे, ओवरकम हो जाए। यहाँ पे इसका साइज़ जो है कुछ इतना होना चाहिए, इस साइज़ में ही आपको बनाना है, ऐसे बहुत ज़्यादा ही हॉरिजॉन्टली तो नहीं, वर्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लंबा हो गया, और हैंड जो आप देख रहे हो, हैंड बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, जो कि फादर का आप देख रहे हो, और फादर का है जो किसी का भी फेस जो होता है ना उसके उसके बराबर ही उनका जो पंजा कहते हैं ना वो होता है पाम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चे का जो फेस है वो बहुत बड़ा है, हैंड उसकी जगह बहुत छोटा है, तो ये जो हैंड के साइज़ को भी आप बढ़ा सकते हो। बच्चों का थोड़ा हैंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, उतना साइज़ नहीं होता है एक फेस के बराबर, फिर भी आपको एक साइज़ जो है वो मेंटेन करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, आज के ट्यूटोरियल जितना भी है ना उसमें मैंने कुछ टेक्निकल बातें की है, जिसको हम एवरी डे एवरी टाइम हम लोग
हम लोग देखते हैं, उन सब चीज़ों को हम देखना चाहिए। और नेक्स्ट वर्क है अमर मंडल आर्ट, जो कि बहुत जाने माने एक यूट्यूबर भी हैं और कई सारे उन्होंने स्केचेस भी बनाए हैं बहुत अच्छे। इससे पहले मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, उनका ऑयल पेस्टल वर्क भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे स्केच भी उन्होंने अच्छा बनाया और यहाँ पे थोड़ा आप लाइट डायरेक्शन जो आपने दिया, तो एक सेंटर में आपने शेडो दिया, थोड़ा आप किनारे की तरफ रख सकते हो, जैसे कि लाइट की इन्फॉर्मेशन अगर आपको राइट साइड से आती है तो लेफ्ट साइड में आप थोड़ा उसको डार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों का मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपकी जो स्केचिंग है आपकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जैसे आपको आप देख रहे हो, तो हाईलाइट जो है, हाईलाइट को हम किस तरीके से एक बेस कर सकते हैं, और जो जो सनग्लास तो नहीं, ये जो स्पेक्स है ना, स्पेक्स में कैसे इसमें थोड़ी सी हम लोग रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये ग्लास जो होता है रिफ्लेक्टिव होता है, तो हल्के से आप विजिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम दिखाएंगे हम, जैसे कि नॉर्मल हम आई से देखते हैं, और थ्रू ग्लास अगर हम देखते हैं ना तो थोड़ी सी विजिबिलिटी कम रहती है, पूरा प्रॉपर 100% विजिबिलिटी नहीं रहती। तो उसमें से कुछ 10 या 20% विजिबिलिटी अगर हम कम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, रोज़ आपने अच्छा बनाया है, ट्राई अच्छा किया है और फ्लो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और कुछ कुछ बातों का मैं आपको बताऊँगा, हमेशा ही जैसे मैं बताता हूँ कि जब भी आप डार्क आउटलाइन देते हो ना, ब्लैक आउटलाइन, तो वो डार्क आउटलाइन जो होता है वो सिमिलर कलर्स होने चाहिए। जैसे कि अगर रेड रोज़ है तो रेड से रिलेटेड जो कलर होना चाहिए, जो उसका जो डार्केस्ट टोन है वो टोन हमें यूज़ करने, और वो टोन यूज़ करके हमें या तो इधर अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ हमें उसको लेके जाना है डार्कनेस को, जिससे कि एक कॉन्ट्रास्ट भी बना रहे और एक आउटलाइन जो होता है ना वो रियलिस्टिक टच जो होता है ना वो थोड़ा सा कम कर देता है। तो यहाँ पे हमें अगर हम ब्लेंड कर देते हैं तो वो रियलिस्टिक टच आ जाता है। वैसे ही आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, कॉन्ट्रास्ट लेवल भी आपने अच्छा मेंटेन किया है, बस उसको थोड़ा सा और मेंटेन करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि एक लाइट की इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है, जो भी स्टेम जो उसका तना जो है, यहाँ पे आप उसके शेडो की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो उसके अपोजिट साइड। और नीचे की तरफ से भी आप जब भी आप नीचे से डालते हो ना, तो कई सारे पेटल्स होते हैं ना, तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वहाँ पर आपको एक जो कॉन्टैक्ट होता है ना, कॉन्टैक्ट भी आपको बनाना पड़ता है। वो कॉन्टैक्ट बनाने से और रियलिज्म आता है उसमें, आपके स्केच में। तो यहाँ पे अबिद का स्केच देख लेते हैं। यहाँ पे आपने पोर्ट्रेट बनाया, और पोर्ट्रेट में एंगल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसके अलावा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में हमेशा ही बताता हूँ मैं आपको, कि आप जब भी आप बनाएं तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन प्लस का जो साइन होता है ना वो ज़रूर बनाएं। तो एक मैंने बनाया एक वर्टिकल लाइन, जो कि आपको शो करता है कि फ्रंट एंगल में है, और यहाँ पे एक वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको बताता है कि हाँ पैरेलल जा रहा है कि नहीं आपका आई, लेकिन यहाँ पे दोनों आई जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए। नोज़ जो है वो बहुत ही एंगल एक टॉप लुक दे रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि फ्रंट में आपको बनाना होगा तो एक बड़ा सर्कल और दोनों साइड में आपको छोटे एक सर्कल बनाना पड़ेगा जो दोनों एक ही साइज़ का होगा। फिर आपको उसके जो कर्व है उसको मैच कर देना, तो इससे आपके जो नोज़ है ना वो हो जाएगा। लिप्स यहाँ पे थोड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे, तो लिप्स को जहाँ से आईबॉल स्टार्ट होता है वो जो होता है एक लिमिट उसका होता है, और उसका जो जो साइज़ होता है थोड़ा सा आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा ईयर्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, हेयर का जो फ्लो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और बाहर की तरफ भी आपको नॉर्मली ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ऐड करना पड़ेगा, और ईयर्स बहुत छोटे हैं तो उसका साइज़ भी आपको बनाना पड़ेगा, नेक को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक प्रोपोर्शन आपको बहुत ज़्यादा रियल, अगर आप देखते हो ना जो रियल पिक्स देखते हो तो उससे ज़्यादा आपको आइडिया मिलता है, तो जितनी आप रेफरेंस देखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ये एक स्केच और है, स्केचिंग आपकी वैसे भी बहुत अच्छी है, इसको थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आप मैं हमेशा ही बताता हूँ कि लाइट डायरेक्शन का अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए, कि अभी जो आपने बनाया है वो स्केचिंग अच्छी है, लेकिन आपको और ज़्यादा रियल बनाने के लिए और आपको रियल टच देने के लिए आपको इसमें थोड़े से ऐड करने में पड़ेंगे डायनामिक्स, वो भी लाइटिंग के। तो यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके का, आपको ये कब पता चलता है, जब आप रेफरेंस देखते हो, और जब भी आप रेफरेंस देखते हो ना तो रेफरेंस जब भी आप देखो ना तो उसको देखो कि इन्फॉर्मेशन कैसी है, और वैसे ही रेफरेंस लो जिसमें आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलता है, एक आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल मिलता है। तो जब तक ये कॉन्ट्रास्ट लेवल नहीं मिलेगा तब तक आपको बिल्कुल ही फ्लैट लगेगा आपका जो जो पोर्ट्रेट बनाओगे,
तो इसके लिए कुछ डायनामिक्स हैं, उसको भी आप ऐड कीजिए, कहाँ कहाँ पे शेडो है शेडो देखिए, तो उससे आपकी जो पिक है वो ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक डार्क आउटलाइन दिख रहा है, एक आउटलाइन जो होती है ना वो डार्क आउटलाइन होता है, लेकिन उसको आउटलाइन को थोड़ा सा हम लोग ब्लेंड करते हैं, जैसे कि आप अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, अभी नेक में शेडो है तो वहाँ पर हम लोग ऐसे दे सकते हैं। हेयर जब बनाते हैं ना तो हेयर भी बहुत चिपके हुए नहीं होते, उसको थोड़ा सा आपको फ्लो देना होता है, फेस पे हल्के से बिखरे हुए हेयर्स जो हैं वो आप दे सकते हो और बाहर की तरफ भी आप दिखा सकते हो। मोदी जी का स्केच है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि डिटेल आपने अच्छे किए हैं, कुछ जो है आपको जो जो कुछ शेडो वगैरह है आपने बहुत ही अच्छा दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हेयर का जो फ्लो है ना वो बहुत ही स्ट्रेट आया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा आप अंदर की तरफ कर सकते हो। बाकी मुझे ये स्केच बहुत अच्छा लगा, और ये स्केच हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे देखते हैं जयंत का, ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बस थोड़े से प्रोपोर्शंस है, प्रोपोर्शंस के बारे में बात करूँगा मैं, जैसे आई है, आई का जो अगर एंगल में देखोगे तो ये आई का कुछ शेप ऐसा होना चाहिए, नोज़ थोड़े से स्ट्रेट होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ही आपने डायनेमिक्स ऐड कर दिए। कुछ लिप्स में है, अपर लिप्स बहुत मोटा हो गया, उसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, नीचे वाला जो है उसका थोड़ा सा आप बैलेंस कीजिए। ये बैलेंस करने के बाद जैसे नेक है, नेक भी स्ट्रेट रखिए, बहुत ज़्यादा आपने डायनामिक्स जो ऐड किया ना वो डायनामिक्स ऐड नहीं करने, और प्रॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि ये वॉलपेपर भी हो सकता है, ये हमारा आज का। और आबिद का एक और स्केच देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे बहुत जो मैं कंट्रास्ट लेवल की बात करता हूँ वो आपने मेंटेन रखा है, एक लाइट डायरेक्शन भी है, मून को आप लोग अपर की तरफ ऊपर की तरफ रख सकते हो, तो जो कि एक नीचे की तरफ आपने स्पेस देके शायद किया है, तो वो स्पेस आप ऊपर रखिए, तो ऊपर रखने पे ज़्यादा बेटर लगेगा और बाकी आपने अच्छा बनाया। इसके अलावा अतुल भाई ने यहाँ पर बनाया है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना कि ये जो जोकर का है, तो इसमें थोड़ा हेयर को आप और डार्क करना पड़ेगा, और इसके अलावा कंट्रास्ट देना पड़ेगा आपको, जो जो फेस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन में आपको थोड़ा सा कंट्रास्ट लाना पड़ेगा। वो कंट्रास्ट लाके मैं ही दिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि हेयर को डार्क करना है, वो डार्क करने के बाद जितने भी आपको गहरे पॉइंट्स हैं ना जो फेस के जो अंदर की तरफ हैं, उसको आपको थोड़ा और ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा शेडो ऐड करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट ऐड करना पड़ेगा, जिसे कि हम लोग कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। वो जब आप ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको जो एक डेप्थ होता है ना वो डेप्थ दिखने लगेगा। और जैसे कि टीथ है, टीथ का भी आपका जो एंगल है ना, एंगल के हिसाब से ही आपको आना चाहिए। अभी थोड़े हल्के स्ट्रेट दिख रहे हैं, वो आप कर लीजिए, और शेडो रीजन में जितने भी आप कर रहे हो ना वो थोड़ा सा कीजिए, अभी आपको टीथ में थोड़ा सा डेप्थ दिखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके सर्टिफिकेट्स रेडी हो चुके हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का हमारा ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है, और जितने भी अभी हमारे बाकी हैं, जितने भी हमारे जो कंपटीशन के जो वर्क थे उसको भी हम रिव्यू करने वाले हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। और इसके अलावा जिसके भी नाम सर्टिफिकेट्स वहाँ पर नहीं है वेबसाइट पर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यहाँ पर, मैं वापस से आपके जो सर्टिफिकेट बना के फिर मैं आपको पोस्ट जरूर करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।